और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि अरुण जेटली ने डीडीसीए में बहुत बड़ा घोटाला किया है, लेकिन बीजेपी उन्हें बचा रही है। आप इस मुद्दे को लेकर 26 दिसंबर को जिला स्तर पर प्रदर्शन करके जेटली के इस्तीफे की मांग करेगी। आप नेता ने सांसदों की सैलरी बढ़ाने की वकालत भी की। संजय सिंह जी, अभी जो प्रस्ताव लाया गया जो सांसद है उनके भत्ते और उनकी तनख्वाह बढ़ाने का, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो एक न्यूनतम जरूरत है किसी भी जनप्रतिनिधि की, उसके हिसाब से अगर सदन और सांसद प्रस्ताव कोई ला रहे हैं तो उस पर चर्चा करके उसको पास करना चाहिए। जो 26 तारीख से आप जिला वाइज आंदोलन कर रहे हैं, वो किसको लेकर कर रहे हैं? 26 दिसंबर को जो हमारा आंदोलन है वो अरुण जेटली जी के इस्तीफे की मांग को लेकर है। अरुण जेटली जी डीडीसीए के भ्रष्टाचार में शामिल हैं। जब वो डीडीसीए के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में 16,000 रुपये प्रतिदिन लैपटॉप का किराया दिया गया है, ये भ्रष्टाचार हुआ है। उनकी अध्यक्षता में 14 फर्जी कंपनियां जो जमीन पे है ही नहीं है, ऐसी कंपनियों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया है। उनकी अध्यक्षता में 3,000 रुपए प्रिंटर प्रतिदिन के किराए पर लिया गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप का हिंदुओं का सबसे बड़ा ठेकेदार बताती है, उस पार्टी ने 5,000 रुपए किराए पे पूजा की थाली ली है। तो ये इतना बड़ा बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये महाघोटाला जो हुआ है, तो इसमें क्रिकेट के कलमाड़ी, बीजेपी के कलमाड़ी अरुण जेटली जी का इस्तीफा मांगने के लिए आम आदमी पार्टी पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर आंदोलन और प्रदर्शन करेगी। जिस तरीके से बीजेपी ने कीर्ति आजाद को हटा दिया, आपको लगता है कि वो तैयार होंगे ऐसी जांच के लिए? वो नहीं, अमित शाह जी ने ये बिल्कुल साफ बता दिया कि भ्रष्टाचार करना भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना भारतीय जनता पार्टी की पार्टी विरोधी गतिविधि है। जो अरुण जेटली के बारे में जो बातें आ रही हैं, डीडीसीए में भ्रष्टाचार की बात आ रही है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी 26 दिसंबर को पूरे भारत में जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी कि अरुण जेटली को हटाया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ सर्वमित्र, न्यूज़ वार्ड इंडिया, चंडीगढ़।